पर उपस्थित डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ कोर्स एवं पॉलिटेक्निक ना प्रिंसिपल श्री गजवानी साहेब। दीव मा गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल खाते सुब्रतो कप अंतर्गत कार्यक्रम थयो अने त्यार बाद टूर्नामेंट नो प्रारंभ थयो। दीव मा गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल खाते डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एकाउंट कम पॉलिटेक्निक ना प्रिंसिपल नितिन गजवाणी साहेब नी अध्यक्षताने सुब्रतो कप टूर्नामेंट नो प्रारंभ करवामां आव्यो। आ टूर्नामेंट मा दीव जिल्ला नी 12 टीमो ए भाग लीधो छे, जेमा अंडर 17 6 टीम, अंडर 15 5 टीम અને અંડર 17 ગર્લ્સ એક ટીમનો સમાવેશ થાય છે। 3 દિવસની આ ટુર્નામેન્ટમાં જે ટીમ જીતશે તે ટીમ યુટી સ્તરે દમણ રમશે અને યુટી સ્તરે જીત્યા બાદ રાષ્ટ્રીય સ્તરે દિલ્હી અને બેંગ્લોર જશે। પ્રથમ મેચ વડલી માતા સ્કૂલ વરાંગબારા અને ગેલેક્સી સ્કૂલ વચ્ચે રમાઈ, જે મેચનો પ્રારંભ ગજવાણી સાહેબે કરાવ્યો। આ પ્રસંગે દીવ જિલ્લાના વ્યાયામ શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા। आ शाला प्रांगण में सुब्रतो कप टूर्नामेंट नो आयोजन करी रह्या छे। सुब्रतो कप टूर्नामेंट में अहीं दीव जिला में 12 टीमों भाग लीधो छे, जेमा अंडर 17 में 6 टीम, अंडर 15 में 5 अने अंडर 17 में 1 गर्ल्स की टीमें भाग लीधो। आ टूर्नामेंट में जे टीम जीत से ए टीम यूटी लेवले दमण जसे। दमण मुकामे दमण देव अने सेलवासा त्रणेय जिला वच्चे त्यां पण टूर्नामेंट रमाशे। अने आ टूर्नामेंट में जे टीम जीत से ए टीम नेशनल लेवले दिल्ली जसे अने एक टीम बेंगलोर जसे। तो અહીંયા હું હવે સૌથી પ્રથમ મેચ વડલી માતા અંડર 15 વણાંગબારા વચ્ચે અને ગેલેક્સી ટીમ વચ્ચે રમાશે, તો એ તૈયાર છે। હવે હું અહીંયા મંચ પર ઉપસ્થિત ગજવાણી સાહેબ વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગ અનુરૂપ આપણને સંબોધન કરશે શ્રી ગજવાણી સાહેબ। ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી। સો माना जाता है कि विथ लव फेवर्स एवरी किक विल बी कन्वर्टेड इन टू गोल, लेकिन ये बहुत झूठ है। अनलेस एंड अंटिल आपने हार्डवर्क किया है, आपका डिफेंस अच्छा है, आपका अटैक अच्छा है, तो ही आप जीत सकते हो। ये ऐसे नहीं है कि भाई लव फेवर होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको हार्डवर्क करना है, आप में से सभी ने अच्छी तरह से खेलना है, प्रैक्टिस की होगी, वही टीम बहुत अच्छी तरह से आगे जाएगी। सुब्रतो कप तो नेशनल लेवल तक आप लोग जाएं, यही शुभकामना के साथ। थैंक यू। भारत माता की वेरी गुड। खूब खूब आभार, धन्यवाद नानजी जेठवा सर, आपने कुशल संचालन किया। थोड़ा सा रूल्स आप समझिएगा। ग्राउंड पे रेफरी ने जो बोल दिया वही मान्य होगा। कभी कभी क्या होता है, रेफरी अनजाने में भी कुछ गलत डिसीजन आ जाता है, वो जानबूझ के देता नहीं है बट हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो रेफरी ने जो भी बोला उसको आप सभी को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। रेफरी के सामने कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी ये आम तेम, ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमारी टीम हो या सामने वाले की टीम हो, पहला जो मैच होगा उसके रेफरी होंगे अशोक जी। अशोक जी आप पहले मैच के रेफरी होंगे, सेकेंड जो मैच होगा उसके रेफरी रमाकांत सर होंगे, बाद में फिर तीसरा मैच जो भी आएगा हम देख लेंगे वहां पे रेफरी कौन होंगे। रेफरी ने एक बार जो बोला वो आपको मानना पड़ेगा। रेफरी के पास येलो कार्ड है, येलो कार्ड दिया आपको, वार्निंग दिया गया, मतलब आपको गलती को रिपीट नहीं करना है। फिर से अगर गलती होता है रेड कार्ड दिया, रेड कार्ड का मतलब प्लेइंग 11 है तो आप 10 खिलाड़ी ही खेलेंगे, एक मेंबर बाहर हुआ उसकी जगह एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये रेड कार्ड का मतलब होता है। मैसेज क्लियर? रेड कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया तो जिसने गलती किया उसको जाने दिया और दूसरा आके खेलने लगा, ये नहीं होता है। रेड कार्ड का मतलब टीम में से एक मेंबर कम हो जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आप बार बार बोलते हो हैंड हो गया, हैंड हो गया, आप ध्यान दीजिएगा
जब आप अटेंशन में है, हाथ कमर के सीध में है, इधर अगर हैंड होता है तो हैंड नहीं माना जाता है, हाथ आपका कमर के ऊपर होना चाहिए तभी वो हैंड माना जाता है, ठीक है। अक्सर मैं ग्राउंड में देखता हूं आप लोग खेल रहे होते हैं, हाथ नीचे, सर हैंड हो गया, हैंड नहीं दिया, रेफरी ने बेईमानी कर लिया। रेफरी ने बेईमानी नहीं किया, आपको नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज करना है। मैसेज क्लियर? क्लियर बेटा? बाकी कुछ अगर डाउट होगा तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। आपको भी कुछ डाउट आएगा तो इधर नानजी सर है, प्रफुल्ला मैडम है, ये डिसिप्लिन इंचार्ज है, ये आपको क्लियर करके देंगे। दूसरा आपसे किसी से कोई बात नहीं करना है, अगर रेफरी से कुछ भूल चुक हो गया, सीनियर टीचर नानजी सर हैं, आप इनके पास आएंगे, आप प्यार से बोलेंगे कि सर ये ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा सा आप चेक करो, सर बैठ के सबसे बात करेंगे, जो भी डिसीजन होगा वो आपको अनाउंस कर देंगे। मैसेज क्लियर? क्लियर? ओके, आप सभी को गैलेक्सी स्कूल की तरफ से, गैलेक्सी परिवार की तरफ से अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग विजयी बने, रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, ग्राउंड ग्राउंड विच ग्राउंड ओके फाइन क्लैप।